हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ यूनिक फैशन। दोस्तों आज कर रहे हैं 38 इंच चेस्ट की कोट की कटिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नाप आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। लंबाई 29.5 है, चेस्ट 38.5, स्टमक 36.5, हिप 39.5, शोल्डर 19 है और इनकी आस्तीन स्लीव 24.5 इंच है। टू बटन की कोट है ये और साइड से कट है। दोस्तों पहले हम देखिए बैक की कटिंग कर रहे हैं। तो बैक की कटिंग कोट में पहले हम करते हैं दोस्तों एल स्केल को। पहले हमको इस कोर पे यहाँ पे इसको पहले ऐसे एकदम बराबर ऐसे सीधा ऐसे रखना है। इसको ऐसे हमको सीधा रखना है। सीधा इसलिए रखना है ताकि ये हमारा बॉटम दामन जो है ये भी एकदम सीधा आए। तो देखिए इसको एकदम हम ऐसे बराबर एकदम सीधा ऐसे रख लिए हैं। ये देखिए ऐसे एकदम हम सीधा रखे हैं। इसको रख के पहले हम एक ऐसे बॉटम ऐसे नीचे एक निशान ऐसे लगाएंगे। इसके बाद दामन में जितना हमको इसमें दाब देना है, दाब हम 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच जितना आपको रखना है आप रख के निशान लगा लीजिए। तो हम 1.25 इंच का दाब देखिए दे रहे हैं। ये देखिए 1.25 इंच हो गया। अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ऐसे अब हम इस निशान से लंबाई का निशान लगाएंगे। पहले लंबाई देखिए 29.5 इंच है। तो देखिए ये 29.5 है। इसको हमको यहाँ पे इस निशान पे रखना है। एकदम देखिए ऐसे बराबर ऐसे रख के इसको एकदम ऐसे सीधा हम यहाँ से ऐसे ले जाएंगे और यहाँ एक ऐसे निशान पहले लगा देंगे और फिर इसको यहीं से हमको इसका आर्मोल का निशान लगाएंगे। देखिए सीना हमारा देखिए 38.5 है तो हमको इसका चौथाई पे रखना है। तो चौथाई पे देखिए सीना 38.5 इसका चौथाई करेंगे। 9.5 इंच एक सूत आएगा तो 9.5 इंच एक सूत पे हम पहले ऐसे निशान लगा लेंगे ऐसे। इसके बाद हमको कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान देखिए हमको जो है 16.5-17 पे आएगा। हम अगर कस्टमर को नापेंगे तो भी यहीं पर आएगा। और लंबाई का हम पहले आधा कर लेंगे। आधा करके इसमें 2 से 2.5 इंच ऐड कर लेते हैं। तो लंबाई देखिए 29.5 है। पहले हम इसका आधा करेंगे तो 15.5 इंच आएगा। इसमें 2 से 2.5 इंच ऐड करेंगे तो 2 इंच ऐड करेंगे तो 17.5 आएगा। तो हम 17 पे इसको निशान लगा देंगे। देखिए ऐसे 17 पे निशान हम लगा दिए हैं। अब हम सारे निशान को पहले सीधा कर लेंगे। दोस्तों ये सीधा भी एकदम स्केल को एकदम ऐसे बराबर ऐसे रख के ताकि ये हमारा एकदम सीधा आना चाहिए। अगर हमारी बैक का निशान टेढ़ा लग जाएगा तो फ्रंट की हमारी कटिंग सही नहीं होगी। तो इसलिए बैक को सबसे ज़्यादा ध्यान बैक पे दिया जाता है। दोस्तों एक निशान हमको 1.5 इंच पे यहाँ लगाना है इसके ऊपर। इससे 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना था। अब हम देखिए यहाँ पर 1.5 इंच पे एक निशान पहले लगाएंगे। 1.5 इंच ये हो गया और यहाँ पर भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हो गया और यहाँ पर हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 1.25 इंच हो गया
अब हम सारे निशान को देखिए कैसे मिला रहे हैं। इसको पहले सीधा कर लेंगे एकदम। दोस्तों ये वाले निशान से हमको तीन इंच एक सूत पे हम पहले एक निशान लगाएंगे, तीन इंच एक सूत, और ये वाले सीधे वाले निशान से एक इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे करके इसको हम राउंड कर लेंगे। अब शोल्डर देखिए 19 है तो 19 का आधा करेंगे, 9.5 इंच आएगा। इसमें आधा इंच दाब रख के 10 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे, ये 10 इंच हो गया। और ये सीधे वाले निशान से 1.25 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। 1.25 इंच पे हम निशान नॉर्मल साइज़ में लगाते हैं, जिसका शोल्डर नॉर्मल हो उसमें हम 1.25 इंच लगाते हैं, ये 1.25 इंच हो गया। अब इसको हम ऐसे निशान लगा लेंगे, ये शेप स्केल से हम इसको यहाँ से इसको ऐसे निशान मिला लेंगे ऐसे। अब देखिए हमारी ये बैग हाफ बैग जो है 17 इंच हमने नापी कस्टमर की, तो इसका आधा करेंगे 8.5 इंच आएगा, और इसमें आधा इंच और बढ़ा के 9 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे, 9 इंच ये हो गया। अब हम कमर का देखिए निशान लगाएंगे, कमर देखिए 36.5 इंच है, तो इसका हम कमर पे छठा भाग रखते हैं 36 का, तो 6×6=36, इसमें एक सूत और बढ़ाएंगे, 36.5 है तो 6 इंच एक सूत आएगा, और इसमें 3 सूत जो है सिलाई का बढ़ा के हम इसको ऐसे निशान लगा देंगे। कमर पे हमने 6.5 इंच रखा है तो यहाँ पर 0.25 इंच बढ़ा के 7.75 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे, ये देखिए 7.75 हो गया। अब हम देखिए इसको ऐसे मिला लेंगे ऐसे निशान ऐसे, और इसको हम जो है यहाँ से ये एक चाप ऐसे बढ़ा के हमको यहाँ से ऐसे निशान लगाना है। ऐसे 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 साइड में देखिए कट है, तो साइड में कट हम 7.5 इंच का रखेंगे, ये 7.5 इंच हो गया, और 1 इंच ऊपर और बढ़ा लेंगे, और यहाँ से इसमें हम 1.5 इंच का ऐसे दाब रख देंगे, 1.5 इंच दोस्तों। निशान देखिए बैक का ये लग गया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों देखिए बैक की कटिंग ये हो गई है। अब चलिए हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। दोस्तों कपड़े को पहले एकदम बराबर कर लेंगे, बराबर करके
इसके बाद जो है हम बैग को उठा के इस पे यहाँ रख लेंगे। अब कपड़ा देखिए हम देख लेंगे दोनों कपड़ा एक बराबर है कि नहीं बराबर है। अब नीचे वाले निशान से हम एक इंच पे पहले ऐसे एक निशान लगा देंगे और बैग को हमको इसी एक निशान पे रखना है। इसको ऐसे रख के पहले हम बैग को एकदम सीधा कर लेंगे। देखिए एकदम सीधा होना चाहिए बैग। इसके बाद बैग सीधा रख के हम इसको नाप के चेक कर लेंगे बैग हमारी सीधी रखी है कि नहीं। स्कोर से हम स्कोर तक हम जब नापेंगे तो पता चल जाएगा ऊपर से नीचे तक ही बैग एकदम सीधी हमने रखा है कि नहीं। दोस्तों हम बैग को ऐसे रख के पहले हम मिला लेंगे ऊपर से नीचे तक एकदम हमारी बराबर बैग सीधी रखी है कि नहीं रखी है। तो देखिए इस कोर से इस कोर तक हमको मिलाना है। तो यहाँ से ये तक देखिए आ रहा है ये 4 इंच, यहाँ भी अभी एकदम ये बैग सीधी हो गई है। अब हम सारा निशान पहले सीधा कर लेंगे। अब इस निशान से 1 इंच नीचे एक निशान ऐसे लगा लेंगे। निशान लगा के थोड़ा सा ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करके अब हम पहले सारा हम निशान मिला लेंगे कि हमारा सीधा एकदम निशान लगा है कि नहीं लगा है। निशान हमारा एकदम सीधा है। अब चलिए हम सारे निशान को मिला लेते हैं। अब आधा इंच का पहले हम एक निशान लगा लेंगे। आधा इंच का निशान दोस्तों ये दाब का है जो आगे सिलाई में दबेगा उसी का। ये आधा इंच का पहले हम एक निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों पहले हम ये हाले का ये ऊपर का निशान लगाएंगे। तो इसका देखिए हम जब 38.5 इंच इसका चेस्ट है तो इसका हम 8वां भाग करेंगे तो 4.5 इंच आएगा। इसमें आधा इंच और ऐड करके 5.25 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए 5.25 हो गया और इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। इतना सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 2.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये सीधे वाले निशान से 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 3.5 इंच हो गया। इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ये हो गया। इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे ऐसे। दोस्तों देखिए फ्रंट को हम ऐसे उठा के अब शोल्डर का पहले निशान लगाएंगे। ये सीधे वाले निशान को इस सीधे वाले निशान पे हम इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे रख के इस सीधे वाले निशान से 2 इंच नीचे हम इसको निशान लगा लेंगे। पहले 2 इंच हो गया और देखिए इसको हमने रखा हुआ है। इसमें 2 सूत माइनस करके हम एक ऐसे निशान लगा देंगे। 2 सूत माइनस इसलिए करते हैं ताकि बैग में हल्का ये नम दिया जाता है। ये देखिए ये हो गया। अब हम बैग को साइड ऐसे रख लेंगे। यहाँ पे हम 2 सूत ऊपर एक निशान लगा लेंगे ऐसे और इसको हम ऐसे मिला लेंगे ऐसे। दोस्तों हम तख्ती का निशान लगाएंगे। तख्ती देखिए हमारी 38.5 इंच है तो 38.5 का चौथाई करेंगे तो 9.5 इंच एक सूत आएगा। तो 9.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखिए 9.5 इंच हो गया और हम इसको
ऐसे सीधा कर लेंगे, ये हो गया। अब हम चलिए इसकी लूजिंग रखते हैं। पहले हम 4.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे, यहाँ भी 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, यहाँ भी 4.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। निशान लगा के हम देखिए कैसे इसको नापेंगे। देखिए आगे से जितना सिलाई में जाएगा, जो सिलाई होगी हमको वहाँ से रखना है। इसमें आगे से 3 सूत करीब जाएगा, तो 3 सूत हमको छोड़ के इसको जो है इंची टेप पर रखेंगे। देखिए 8.25 इंच आ रहा है, ये 8.25 आ रहा है। अब 8.25 को हम ये जो 4.5 इंच पे निशान लगाए हैं, यहाँ पे 8.25 हम ऐसे रखेंगे। ऐसे रख के सीना देखिए 38.5 है, तो इसका जो है हम आधा करेंगे तो 19.25 इंच आएगा। तो 19.25 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। सवा 19 पे हम देखिए ऐसे निशान लगा दिए। अब कमर का देखिए हम निशान लगाते हैं, आगे से सिलाई में जितना जाएगा उतना छोड़ के 6.5 इंच में एक सूत कम, देखिए ये आ रहा है, तो 6.5 इंच में एक सूत कम को हमको इस पे निशान पे ऐसे हम रखेंगे। ऐसे रख के कमर देखिए, पेट ये 36.5 है, तो 36.5 का आधा करेंगे तो 18.5 आएगा। 18.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। 18.5 हो गया। अब हिप पे देखिए, हिप पे जो है सिलाई का छोड़ के 7 इंच में एक सूत कम आ रहा है, तो 7 इंच में एक सूत कम को इस निशान पे हम ऐसे रखेंगे। ऐसे रख के 39.5 इंच हिप है, तो 39.5 का आधा करेंगे तो 20.25 आएगा। तो 20.25 पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। देखिए 20.25 पे हम निशान लगा दिए। और दोस्तों हमको बैक को ऐसे साइड रखेंगे, साइड रख के हल्का सा ऐसे निशान लगा के ऐसे, और इसको इस निशान से ये वाले निशान पे हम पहले ऐसे स्केल को ऐसे रख के हम पहले लंबाई चेक करेंगे। लंबाई देखिए 29.5 है, तो हमको देखिए यहाँ से ऐसे नापना है। 29.5 है तो हमको 30 इंच देखिए चाहिए। ये सीधा वाला जो निशान है इसी पे हम लंबाई नापेंगे। 30 इंच चाहिए, देखिए यहाँ ऐसे 30 इंच आ रहा है। इसको उसी हिसाब से हल्का सा ऊपर नीचे कर लेंगे और देखिए ये आ जाएगा एकदम बराबर। अब हम इसको पहले हम सीधा ऐसे निशान लगा लिए हैं, और इस सीधे वाले निशान से 2.25 इंच पे हम पहले एक ऐसे निशान लगा देंगे। 2.25 इंच हो गया। अब चलिए हम नीचे वाली पॉकेट का निशान लगाते हैं। नीचे वाली पॉकेट हम 9.5 इंच पे लगाएंगे। देखिए यहाँ से 9.5 इंच हमने इसको ऐसे रख दिया, और इसको हम यहाँ से देखिए 3.5 है, यहाँ भी ऐसे 3.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। लगा के इसको पहले हम सीधा कर लेंगे, यहाँ भी एक ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमारा कांच का निशान है, और इस निशान से हम 4.5 इंच पे दूसरी बटन का कांच का हम निशान लगा देंगे। ये देखिए हो गया। अब दोस्तों यहाँ से ये सीधे वाले निशान से 0.5 इंच पे पहले एक ऐसे निशान लगा देंगे। 0.5 इंच पे निशान लगा के और यहाँ से यहाँ तक पहले हम इसको सीधा एक निशान लगा लेंगे। देखिए ये हो गया। अब हम इसका ब्रश रख देंगे। ब्रश देखिए हमको जितना रखना है, 2.25 इंच 2.5 इंच जितना हमको रखना है हम उसी हिसाब से रख देंगे। तो हम इसका ब्रश 2.5 इंच रख दे रहे हैं। ये 2.5 इंच हो गया।
और इसको ऐसे निशान लगा देंगे। ये हो गया, और इसमें सिलाई दाब में जो जाएगा उतना हम बढ़ा लेंगे, ऐसे बढ़ा के हम इसको निशान लगा लेंगे। ये हो गया, अब हमको इस निशान को ये वाले काज वाले निशान तक मिलाना है, इससे आधा इंच से हमको नीचे मिलाना है। तो देखिए स्केल को ऐसे रख के ऐसे यहाँ से ऐसे इसको मिला देंगे ऐसे, और जितना सिलाई का मार्जिन देना है उतना हम इसमें बढ़ा के एक निशान और लगा लेंगे ऐसे। अब मोटे का हम देखिए ये निशान लगा लेते हैं। ऐसे ये सीधे वाले निशान से 2 इंच आगे हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे। देखिए 2 इंच ये हो गया, और ये सीधे वाले निशान से हम 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1.25 इंच हो गया। और यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये हमारी ऊपर की प्लेट पॉकेट हो जाएगी। और इसका आधा करेंगे तो 2 इंच आएगा। तो 2 इंच को हमको ये सीधे वाले निशान से देखना है कितना आ रहा है, तो इसी को हमको एकदम सीधा इस पॉकेट तक लेके आना है। अब यहाँ एक पहले हम निशान लगा लेंगे ऐसे, अब इसको देखिए आधा इंच इसको हम ऊपर ऐसे करके हम ऐसे क्रॉस में हम पॉकेट का एक ऐसे निशान लगा लेंगे ऐसे, और ऐसे ऐसे। अब देखिए पॉकेट का हम आधा कर लेंगे, तो ये देखिए 2 इंच पे हम इसको रख लेंगे। 2 इंच पे रख के ये देखिए 1.25 इंच आ रहा है सीधे वाले निशान पे। तो यहाँ पर भी देखिए 1.25 इंच पे हम इसको ऐसे निशान देखिए लगा लिए हैं, और 1.25 इंच हम इसमें आधा से 1.25 इंच आगे एक निशान और लगा लेंगे। तो आधा इंच आगे और निशान लगा लिए हैं देखिए ऐसे। और अब ये वाले आगे वाले निशान से 6 इंच की हम पॉकेट रखेंगे। देखिए यहाँ से ये 6 इंच पहले हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे, और यही निशान को हम सीधा जो है यहाँ तक कर लेंगे। ये हमारी जो है डार्ट का निशान आ जाएगा ऐसे। ये वाली पॉकेट से 2 से 2.25 इंच नीचे हम देखिए ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ देखिए ये हमारी पॉकेट देखिए ये 6 इंच है, तो हम ये इस निशान से आधा इंच और माइनस करके 5.5 इंच पे पहले एक ऐसे निशान लगाएंगे, 5.5 हो गया, और इसको नीचे तक लेकर आएंगे। ये हो गया, और इसको हम पहले ऐसे सीधा निशान एक लगा लेंगे, सीधा ऐसे निशान लगा के इसको यहाँ से यहाँ तक हम मिलाएंगे। ये हो गया, इसमें से हम डॉट का इतना कपड़ा और निकाल देंगे। ये हो गया, यहाँ से हम 3 सूत और इसमें से निकाल देंगे ऐसे। और हम पहले आधा इंच का इसमें डार्ट निकाल के पहले हम चेक करेंगे। देखिए इसको ऐसे निशान लगाना है ऐसे। इसे मिला लेंगे,
अब दोस्तों देखिए क्या करना है, इसको यहाँ हमको इसे राउंड कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमको जो है नापना है कि हमको कोट का जो है एकदम परफेक्ट ये निशान लगाना है साइड का। तो इसके लिए देखिए जब कोट अगर फिटिंग में है दोस्तों, ये कोट फिटिंग में है तो हमको ये सीधे वाले निशान से पहले 3.25 इंच पे पहले एक ऐसे निशान लगा लेंगे। देखिए 3.25 इंच हो गया और यहाँ पर हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 2.25 हो गया, यहाँ पर भी 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये फिटिंग वाले के लिए हमको इतना रखना है। अब सारा जो है निशान एक बार हम यहीं से पहले चेक कर लेंगे। देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ से इसमें सिलाई में जितना जाएगा उतना छोड़ के 8.25 इंच आ रहा है। 8.25 इंच को 8.25 इंच को दोस्तों देखिए हमको ये जो 3.25 इंच पे निशान लगाए हैं 8.25 को अब हम यहाँ रखेंगे इस पे ऐसे रख के, और इसमें जितना सिलाई में जाएगा देखिए इतना ये सिलाई में यहाँ से जाएगा और सिलाई में इतना ये यहाँ दबेगा। इसको यहाँ ऐसे रख के इस पे अब हम रखेंगे, देखिए 16.5 इंच पे आ रहा है और 16.5 इंच को ऐसे उठा के हमको इस पे रख लेंगे। ये देखिए ऐसे रख के और 38.5 है तो अब 19.5 का आधा करेंगे 19.5 आएगा। इसमें 3 सूत और बढ़ा के इसमें हम निशान लगा देंगे। देखिए इसे 3 सूत पे हम ऐसे निशान लगा दिए हैं, अब ये एकदम परफेक्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है बैक में जो है 6.5 इंच में 1 सूत कम पे देखिए आ रहा है, तो 6.5 इंच में 1 सूत कम है ये, और ये 2.25 इंच वाले निशान पे हम इसको ऐसे रखेंगे। इसको ऐसे रख के यहाँ देखिए जितना सिलाई में जाएगा यहाँ देखिए इतना हमारा ये दब जाएगा सिलाई में, ये देखिए, और इधर भी जो है इतना दबेगा सिलाई में चला जाएगा। देखिए ये 15 इंच आ रहा है तो यही 15 को उठा के इस निशान पर रख लेंगे। देखिए ये हो गया, उसके बाद ये 36.5 इंच हमारी देखिए कमर है पेट है तो उसका आधा करेंगे 18.5 इंच आएगा। इसमें 1.25 इंच और बढ़ाएंगे, 1.25 इंच इसमें क्यों बढ़ाएंगे, इसमें जो है 3 सूत यहाँ दबेगा और 3 सूत जो है यहाँ दबेगा ये डार्ट में, तो 1.25 इंच इसलिए हम यहाँ बढ़ाएंगे और हम इसको काट देंगे ऐसे। अब हम हिप का देखिए निशान कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर जितना सिलाई में जाएगा उतना छोड़ के देखिए 7 इंच पे हम ऐसे इसको पकड़ के इस निशान पे हम इसको ऐसे रखेंगे 7 इंच। इसको ऐसे रख के अब यहाँ जितना सिलाई में जाएगा ये सिलाई में जाएगा, इधर भी इतना सिलाई में जाएगा, ये ऐसे रख के 39.5 इंच हिप है तो इसको आधा करेंगे तो 20.25 इंच आएगा। इसमें 0.5 इंच बढ़ा के 20.5 पे जो है हम निशान लगा देंगे। ये देखिए 20.5 में निशान लग गया। देखिए सारे निशान को हम अब ये मिला लेंगे। ना स्टार्ट में हमने इसको किया है माइनस, तो उसको जो है हमको यहाँ से नीचे से इसे निशान लगा के ये हो गया, इसमें हम दाब रख देंगे।
दोस्तों निशान देखिए ये पूरा लग गया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों फ्रंट हमारा देखिए कट गया है। अब चलिए हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। आस्तीन कटिंग देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से आधा इंच छोड़ के ये यहाँ से हमको ये देखिए 7.25 इंच आ रहा है, तो 7.25 इंच हम आस्तीन रखेंगे। पहले अब हम देखिए एक निशान ऐसे लगा लेंगे ऐसे, और 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये 1.5 इंच पे एक निशान लग गया। अब ऊपर वाले निशान से 7.25 इंच पे एक निशान रहेगा, और लंबाई देखिए 24.5 इंच आस्तीन की है। 1 इंच और बढ़ा लेंगे, 1 इंच बढ़ा के 25.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब हम देखिए नीचे ये 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ऐसे 2.5 इंच हो गया। और इस निशान को पहले हम सीधा कर लेंगे। अब जो है देखिए हमको यहाँ से 2 सूत ऐसे और 2 सूत यहाँ पे ऐसे ऐसे रख के हमको पहले एक ऐसे निशान लगा लेना है। स्केल को ऐसे रख के नीचे वाले निशान तक इसको मिलाना है, इसको ऐसे रख के ऐसे। अब इस निशान से हम 1.5 इंच में 1 सूत कम पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ भी 1.5 इंच में 1 सूत कम पे निशान लगाएंगे।
अब इस निशान से हम सीने का चौथाई करेंगे, सीना 38.5 है तो उसका चौथाई करेंगे 9.5 इंच, एक सूत आएगा, इसमें आधा इंच माइनस करके 9 इंच एक सूत पे हम ऐसे निशान लगा देंगे ऐसे, और इसका हम आधा करेंगे तो 4.5 इंच आएगा, तो इसमें दो सूत और कम करके हम निशान लगा देंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे यहाँ, हम नीचे 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे, देखिए 6.5, और इसको यहाँ से यहाँ तक पहले ऐसे मिला लेंगे ऐसे, और इसको मिला लेंगे ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, ऐसे पूरा ऊपर तक ले जाएंगे, अब इसको जो है यहाँ से ऐसे मिलाएंगे ऐसे, ऐसे ऐसे। दोस्तों आस्तीन का निशान देखिए लग गया है, अब चलिए हम इसे कटिंग कर देते हैं। नीचे वाला देखिए ये इसी के हिसाब से एकदम कट गया है, अब देखिए बैक कितनी रहेगी हमारी, देखिए ये वाले निशान से यहाँ पे 0.5 इंच यहाँ ऐसे और यहाँ से 0.5 इंच ऐसे, इतनी हमको छोटी बैक रखना है, तो इसको हम ऐसे उठाएंगे, उठा के इसको आगे ले चले आएंगे और यहाँ तक जो है हम इसको रख लेंगे, देखिए ये हमने यहाँ तक कर लिया है। अब इसके बाद हमको ये वाले सीधे निशान से पहले ऐसे एक निशान लगाएंगे और इसको जो यहाँ से सीधा आया था यहाँ एक ऐसे निशान लगा के, अब हम इस निशान से 1 इंच से 1.25 इंच हमको अंदर एक निशान लगाना है ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे हाथ रख के इसको इतना अंदर ले लेंगे, देखिए इतना ये हो गया, और इसको ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे, निशान लगा के आप ऐसे निशान लगा दीजिए, ये हो गया।
और ये सीधे वाले जो निशान के नीचे हमको एक निशान लगाना है ऐसे ऐसे। इसके बाद हमको यहाँ से एक इंच पे पहले एक सवा इंच पे हम ऐसे एक निशान लगा देंगे, सवा इंच पे निशान लगा के इसको यहाँ से इसको ऐसे हम मिला देंगे ऐसे ऐसे मिला के अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें हमको जितना दाब रखना है दाब रख के हम इसे कटिंग कर देंगे। दोस्तों देखिए ये आस्तीन की कटिंग ये पूरी हो गई है। दोस्तों कटिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि आने वाली कटिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।